हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के बारे में और इस फोन के सारे मेन फीचर आज के दिन इस वीडियो में जानेंगे। साथ में इस फोन का प्राइस क्या होगा और कौन कौन से स्टोरेज के अंदर वेरिएशन है वो भी हम लोग आज के दिन इस वीडियो में एंड तक देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए और आई लर्न टेक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है दोस्तों। अगर आप लोग कुछ इस तरह का गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स को या अपने परिवार में, तो आप लोग इजीली कर पाएंगे बहुत ही सस्ते दाम में और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सस्ते दाम में दो फोटो आप लोग प्रिंट करा पाएंगे और इस वेबसाइट का नाम है www.printiwish.com। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं Redmi Note 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में। इस फोन के अंदर क्या क्या मेन फीचर है, क्या इसका प्राइस है और क्या वेरिएशन है। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस फोन के शुरुआत करते हैं इस फोन के कलर से। इस फोन के अंदर आप लोगों को तीन कलर देखने को मिलेगा, जो कि पहला है व्हाइट, दूसरा है ब्लू, तीसरा है आप लोगों को ब्लैक कलर। बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को एमोल्ड का डिस्प्ले लगा हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही बढ़िया और हाई क्वालिटी का डिस्प्ले आप लोगों के लिए यूज़ किया गया है, जो कि आपकी आंखों की सेफ्टी को देखते हुए, जो कि आप लोगों की आंखें अब सेफ रहेगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस डिस्प्ले साइज भी बता देता हूँ इस फोन के, जो कि 6.67 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले होगा, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 लेवल का आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलने वाला है और पंच होल डिस्प्ले के साथ में ये फ़ोन मिलेगा। बात करें इसके नेक्स्ट फीचर प्रोसेसर की, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वर्जन का आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। बात करें इसके नेक्स्ट फीचर OS की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस फोन के अंदर एंड्रॉयड वर्जन 11 लगा हुआ है। बात करें इसके नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो ये 5G प्लस वोल्टी सपोर्टेड स्मार्टफोन आप लोगों को मिलने वाला है। सिम कार्ड से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें आप लोग डबल नैनो सिम कार्ड, GSM प्लस GSM सिम कार्ड आप लोग यूज़ कर पाएंगे। बात करें इसके नेक्स्ट फीचर बैटरी की, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 5000 mAh का फुल पावरफुल 1 से 1.5 दिन का बैकअप आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो अडैप्टर आप लोगों को इस फोन के साथ में मिलेगा वो 67 वॉट का टर्बो अडैप्टर होगा, जो कि फास्ट, सुपर फास्ट चार्जिंग करके आप लोगों को देगा, जो कि सी टाइप के केबल के साथ में आप लोगों को फोन मिलने वाला है, जो कि 15 मिनट में 50% आप लोगों का मोबाइल चार्ज कर देगा। बात करें इस फोन के नेक्स्ट फीचर कैमरे की, तो इसके अंदर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आप लोगों को 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, इस तरह से तीन कैमरे दिए गए हैं और आप लोगों को एक LED फ्लैशलाइट रियर साइड में, HDR मोड, डिजिटल जूम, टच टू फोकस और ऑटो फ्लैश का ऑप्शन आप लोगों को मिलने वाला है। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें, तो इसमें आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया और गुड कैमरा आप लोगों को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग इस फोन के स्टोरेज की। इस फोन के अंदर आप लोगों को तीन वेरिएंट दिए गए हैं स्टोरेज के अंदर और इन तीनों वेरिएंट की वजह से प्राइस भी अलग अलग हो चुका है। जैसा कि 128 GB इंटरनल और 6 GB रैम के साथ में जो फोन मिलेगा उसका प्राइस होगा 19,999 रुपये। अब यही वाला फोन जैसे कि 256 GB और 6 GB रैम के साथ में जो लोग फोन लेंगे, उन लोगों को इस फोन का प्राइस पड़ेगा 22,999 रुपये। और यही फ़ोन जब 256 GB और 8 GB रैम के साथ में अगर आप लोग यह फ़ोन लेते हैं, तो आप लोगों को इस फ़ोन का प्राइस पड़ेगा 24,999 रुपये। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेरिएंट के हिसाब से प्राइस आप लोगों का बढ़ने वाला है और घटने वाला है। दोस्तों, अभी लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, तो आप लोगों को ये इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑफर चल रहा है, तो आप लोग इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर जा सकते हैं। लिंक मैंने दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इजीली आप लोग क्लिक करके अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे। आई लर्न टेक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे थे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।